जो श्रद्धालु लोग बाहर से आते हैं ना यात्रा करने के लिए, उनके कश्मीर का लास्ट विलेज है लास्ट 11,649 फीट पहाड़ों के बीच में से टनल जाएगी। इंडिया मोस्ट डेंजरस रोड, अभी देखें नजदीक से बर्फ के पहाड़ा, खतरनाक, बहुत खतरनाक, ये मोस्ट डेंजरस। सो हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो गाइस कैसे सभी लोग, उम्मीद है सब अच्छे से होंगे। तो गाइस हमेशा की तरह सबसे पहले मैं नाम लेना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। तो पहला नाम है अंजुम मिश्रा जिन्होंने मुझे 1000 रुपीज का सुपर थैंक्स भेजा है। दूसरा नाम है पाल के, PALK, उन्होंने मुझे $14.99 का सुपर थैंक्स भेजा है। उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ इतना प्यार और सपोर्ट करने के लिए। तो गाइस आप भी मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हो। मेरे वीडियो के नीचे एक हर्ट शेप्ड आइकन आता है, वहां पे ना डॉलर का साइन भी होता है, तो वहां से आप मुझे सुपर थैंक्स भेज सकते हो। दिल से थैंक यू सो मच, बहुत ही बड़ी बात है मेरे लिए। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कोलकाता से मेरे कुछ गेस्ट आए थे, जो मेरा फ्रेंड है ना उनकी फैमिली आई थी, तो उनको ना यहाँ पे कहीं घूमने जाना है, मुझे उनके साथ ही जाना है अभी, लेकिन डिसाइड नहीं हुआ है, वो देखते कहाँ का प्लान करेंगे फिर वहीं पे जाते। ओके गाइस फाइनली निकला मैं, हमको ना सोनामर्ग जाने का प्लान हुआ क्योंकि वहां पे बर्फ भी हो सकती है ना, जो कोलकाता से आए हुए हैं ना उनको ना बर्फ देखनी है, तो इसलिए आज सोनमर्ग ही जाते हैं। अभी ना मेरे को टैक्सी लेने के लिए आएगी, फिर जाते जो गेस्ट आए हुए हैं उनको लेंगे, फिर जाते डायरेक्ट सोनमर्ग के लिए। ओके फाइनली गाइस टैक्सी आ चुकी है, ये देखिए इनोवा, इसी में जाना है हमको सोनमर्ग के लिए। तो गाइस फाइनली गेस्ट को ले लिया, ये देखिए ये रही हमारी गाड़ी, अब जाते डायरेक्ट सोनमर्ग के लिए। हम नाइट पहुंचे और ये देखिए यहाँ पे जामिया मस्जिद, ये ना यहाँ की सबसे बड़ी मस्जिद है जामिया मस्जिद, आपने नाम सुना होगा। ये देखिए तभी हम पहुंचे 90 फीट रोड पे, यहाँ से ना सीधे रास्ता जाता है गांदरबल पहुंचता है वो डायरेक्ट। ठीक है मैं दिखाता हूँ आगे जाके आपको। तो भाई लोग ये देखे ये रहा गांदरबल, ठीक है लेफ्ट साइड से जाता है, वहां से ना एक लेक है उसका नाम है मानसबल, वहां पे मैं आपको जल्दी ले चलता हूँ। तो अभी ना हमको सीधे जाना है सोनामर्ग के लिए। देखिए ये रहा गांदरबल का मार्केट, हाँ यहाँ से जाते हैं मानसबल लेक, हाँ मानसबल लेक। ये देखो यहाँ से नदी है सिंधु रिवर है, ये सिंधु रिवर। तो ये देखिए गाइस हम पहुंचे अभी कंगन, और यहाँ से जाता है नारा नाग ट्रैक का। ये देखिए कंगन का मार्केट। अभी ना मुझे ज़्यादा वो टाइम नहीं है, वरना मैं आपको पूरा कश्मीर घुमाता, बस आप सपोर्ट करते रहिए, जल्दी हम पूरा कश्मीर घुमाएंगे आपको। हाँ भाई लोग हम ना सोनमर्ग पहुँचने वाले हैं, और ये देखिए पहाड़ों पर बर्फ, अभी रिसेंटली यहाँ पे बर्फ हुई है ना, इस वजह से यहाँ पे ज़्यादा बर्फ है। पिछली बार जब आए थे ना यहाँ पे इतनी बर्फ नहीं थी उस टाइम। ये देखिए हर तरफ से बर्फ ही बर्फ है। हाँ सोनमर्ग 19 किलोमीटर। ये देखिए गाइस यहाँ पे ना टनल का प्रोजेक्ट चल रहा है जो कि आगे जाके सोनमर्ग में निकलेगी। ये देखिए जीमो टनल, हाँ टनल बन रही है यहाँ से, ये देखो हर तरफ से इसका वर्क चल रहा है, रास्ता बनाया यहाँ से, ये आगे जाके निकलेगा वहाँ सोनमर्ग में। यहाँ से फिर ना सर्दियों में जब वो बर्फ गिरती ना, यहाँ से रोड बंद रहता है, इसलिए ऊपर से टनल बना रहे हैं, एक तो यहाँ पे, दूसरा वो जोजोला का नहीं पता वो दिखा सकते या नहीं, लेकिन ये वाली टनल देखिए आप, जीमोर। ये जो पहाड़ है ना, इन पहाड़ों के बीच में से ये टनल जाएगी सोनमर्ग के लिए। यहाँ दिखाता हूँ आगे जाके कि ये टनल कहाँ पर निकलेगी। फाइनली गाइज पहुंचे हम सोनमर्ग, हाँ वेलकम टू सोनमर्ग। ये देखो ये जो सामने ये ब्रिज आ रहा है ना, जो मैंने टनल बोली थी आपको जो कि सोनमर्ग के लिए, यहाँ पे निकल रही है वो, देखिए यहाँ से वो टनल निकल रही है जी मोर या जड़ मोर टनल। ये देखिए इसमें अभी वर्क ही चल रहा है, पता नहीं कितना टाइम लगेगा इसमें। ये देखिए गाइस सोनमर्ग का नज़ारा, चारों तरफ ना पहाड़ों पे बर्फ ही बर्फ है। ये देखिए तो गाइस ये जो जीमो टनल है ना, ये ना 6.5 किलोमीटर की टनल है जो कि गगनबल से निकलती है फिर सोनमर्ग के लिए, क्योंकि विंटर्स में वहाँ पे रोड बंद होता है ना बर्फ की वजह से, इसलिए यहाँ पे अभी काम चल रहा है, लेकिन अभी डेडलाइन ना अभी कंफर्म नहीं है, उन्होंने बोला 2024 में, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है कि वो टनल कब तक कंप्लीट होगी। ठीक है तो फिलहाल हम पहुँचे अभी सोनमर्ग। ये देखिए अभी ये देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ से वो थाजवास ग्लेशियर, ठीक है वहाँ पे भी बर्फ मिलेगी इनको, और 0 पॉइंट जोजोला पास जहाँ पे हम पिछली बार गए थे
से, वहाँ पे भी बर्फ मिलेगी। आप दोनों में से एक जगह जाएंगे, ठीक है। तो गाइस अब ना हमको घोड़े पे नहीं जाना है थाजवास ग्लेशियर, अब हम जा रहे हैं जीरो पॉइंट घुमरी जाना है, वहाँ पे ना बहुत ज्यादा बर्फ है, वहीं पे जाओगे घुमरी जाओगे ना। चलिए फिर ये देखिए ये सोमु जाती है यहाँ से, तो इसी में ही जाते हैं, ठीक है। चलिए गाइस ये यहाँ से टैक्सी जाती है जीरो पॉइंट के लिए, जो आपको सामने पहाड़ दिखाई दे रहा है ना वहीं पे जाना है हमको, वहीं पे बर्फ बहुत सारी है, तो आज आपको बर्फ भी दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली निकले हम जोजोला पास के लिए, अभी हम सोनमर्ग में ही है, दिखाते हैं। आज ना हम पहली बार ही लोकल गाड़ी में जा रहे हैं, वरना आपको पता ही है बाइक पे अपनी गाड़ी में जाते थे जोजोला पास, तो आज पहली बार ही लोकल गाड़ी में जा रहे हैं। ये देखिए गाइस सोनमर्ग का मार्केट, आपको पता ही है पिछली बार जब पूर्व बार मैं आए थे ना यहाँ पे हम होटल में रुके हुए थे। तो गाइस ये देखिए अब मैं आपको जोजोला टनल भी दिखाता हूँ, ये देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है जोजोला की टनल, ठीक है। इसकी डेडलाइन ना 2026 में है ऐसा मैंने गूगल करके देखा, तो ये आगे जाके कहाँ पे निकलती है, ये मिनीमर्ग मटैन जिसको कहते हैं, मिनीमर्ग मिनीमर्ग वहीं पे निकलती है। आपको पता ही है यहाँ पे ना वो 16.5 किलोमीटर 16.5 किलोमीटर टनल है ये। मतलब ये ना मैंने सुना ये इंडिया की सबसे लंबी टनल होने वाली है, एशिया की एशिया लॉन्गेस्ट टनल ना जोजोला टनल। और क्या सीन है ना, जब यहाँ पे आपको पता ही है बर्फ में यहाँ पे रोड बंद होता है, उसी वजह से यहाँ पे टनल खोल दी गई है ताकि बर्फ में भी मतलब कनेक्ट रहे लद्दाख के साथ, ठीक है। आगे जाकर अगर दिखी टनल तो अच्छे से दिखाऊंगा आपको। ये जो फ्लाईओवर है ना ये टनल से कनेक्ट होगा, ये वाला फ्लाईओवर सोनमर्ग से ही जाता है ये जोजोला पास। हाँ ये देखिए जोजोला टनल सोनमर्ग में भी मैं प्रोजेक्ट ही दिखा रहा हूँ। हाँ यहाँ पे ना जोजोला पास पे 4 महीने कोई गाड़ी नहीं चलती है, यहाँ पे भाई साहब का कहना है यहाँ पे ना 10-12 फीट बर्फ होती है, तो फिर जब मई में आते हैं ना यहाँ पे ना साइड से बर्फ होती है और बर्फ के बीच में से गाड़ियाँ चलती है, तो हाँ इस वजह से ये टनल बनाई जा रही है यहाँ से। ये देखिए आपको पता है ये ना यहाँ पे हेलीपैड है यहाँ पे, ठीक है, अमरनाथ यात्रा का हेलीपैड। और यहाँ से कितना किलोमीटर है अमरनाथ, यहाँ से समझो अभी आपको 20-22 किलोमीटर। और बालतल बेस कैंप कहाँ पे है, बालतल बेस कैंप अभी 10 किलोमीटर आगे है। हाँ बालतल बेस कैंप अमरनाथ हेलीपैड यहाँ पे। हाँ ओके आगे देखिए बर्फ, हाँ वहीं पे जाना है हमने। देखिए गाइस नीचे से अगर आपको टनल दिखाई दे रही होगी, ये है जोजोला टनल। हाँ ये देखिए मतलब अब ना आप बर्फ में भी जा सकते हो लद्दाख, लेकिन मजा तो इसी रोड में है। टूरिस्ट देखो कितने सारे हैं यहाँ पे, ये सारे टूरिस्ट ही हैं। ये कौन सा पॉइंट है, कश्मीर का लास्ट गांव, लास्ट गांव दिखता है ना, इसे नाम है सर्कल, मगर ये है कश्मीर का लास्ट गांव, इसे क्या कश्मीर का लास्ट गांव। हाँ इससे आगे फिर वो लद्दाख का वो डिस्ट्रिक्ट कारगिल डिस्ट्रिक्ट। भाई लोग कैसा लग रहा है यहाँ पे आके, बहुत मजा है, मजा आ रहा है, बहुत मजा। यहाँ पे ना ये देखो कितने सारे टूरिस्ट है, ये पता है हम कहाँ पे अभी, ये है कश्मीर का लास्ट विलेज, लास्ट गांव है यहाँ पे कश्मीर लास्ट विलेज। तो गाइज मुझे नहीं पता था कि ये कश्मीर का लास्ट विलेज है, लास्ट गांव, ये जो आपको गांव नजर आ रहा है कश्मीर का लास्ट गांव है, यहाँ से वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट के सब आता है। और नीचे से जो यहाँ से प्रोजेक्ट चल रहा है ना ये है जोजोला टनल का। हाँ इंडिया लॉन्गेस्ट टनल यहाँ पे बन रही है, ये देखिए यहाँ से आप अब बर्फ में भी जा सकते हो लद्दाख, वरना आपको पता ही है 4 महीने यहाँ से रोड ही बंद होता है क्योंकि बहुत ही डेंजरस रोड है यहाँ पे। ये देखिए हर तरफ से बर्फ ही बर्फ है। ये देखिए यहाँ पे कितने सारे टूरिस्ट हैं जो सोनमर्ग से जाते हैं ना वहाँ जोजोला के लिए, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे चाय ये सब मिल रही है, खाने का सामान, हाँ टी स्टॉल। पहले भाई लोग आप जाते हैं वापस से गाड़ी में और निकलते हैं सीधे, कहाँ जाना है हमने, जीरो पॉइंट घुमरी ये सब के लिए जाना है। पहले बाल तल आएगा उसके बाद फिर जोजोला ये सब। ये देखिए गाइस गरम गरम समोसा खाते हैं रोड को एंजॉय करते करते। ये देखिए बाल तल ना यहाँ से 5 किलोमीटर है और घुमरी जहाँ हमको जाना है ना वो है 13 किलोमीटर। और यहाँ से सीन चेक करो यार कितना मस्त रोड है। तो नीचे से ये रोड जाता है ना यही जाता है बाल तल के लिए जो कि बेस कैंप है ना अमरनाथ यात्रा, जो श्रद्धालु लोग बाहर से आते हैं अमरनाथ के लिए वो यहीं पे रुकते हैं, उनका बेस कैंप है यहाँ पे, फिर यहीं से जाते हैं वो अमरनाथ। हाँ देखो ये जो ट्रक से ना ये कारगिल के लिए जा रही है, तो भाई यहाँ से देखो कितनी धूल मिट्टी है यहाँ से। हाँ मोस्ट डेंजरस रोड, इंडिया मोस्ट डेंजरस रोड। तो भाई लोग अभी हम एक और जगह पे रुके जोजोला रोड पे, ये देखे ये रहा यहाँ से बाल तला, जो श्रद्धालु लोग बाहर से आते हैं ना यात्रा करने के लिए उनका बेस कैंप है यहाँ पे।
ठीक है, यहीं से फिर वो जाते हैं अमरनाथ यात्रा के लिए। यहाँ से कितना दूर है अमरनाथ यात्रा? 14 किलोमीटर। हाँ, पहलगाम से नज़दीक होता है कि यहाँ से होता है? यहीं से। पहलगाम से कितना दूर है? पहलगाम से 34 है अमरनाथ यात्रा, यहाँ से ओनली 14 किलोमीटर। हाँ, जब वो यात्रा होती है ना, आपको पता ही है यहाँ पे ना हर तरफ से वो टेंट से सब बिछाए होते हैं, हज़ारों में यहाँ पे टेंट होते हैं। ये देखो बालतल, और ये देखो यहाँ पे अपना रोड जोजला। रोड कैसा लगा यहाँ का? बहुत अच्छा। अच्छा है कि खतरनाक है? खतरनाक, बहुत खतरनाक। ये मोस्ट डर लग रहा है, डर लग रहा है। यहाँ से ऊंचे ऊंचे पहाड़ डोरिया, यहाँ से गहरी खाई। ये हमको जिगजैग में जाना है ऊपर रोड, हाँ, जोजला के लिए। जोजला पास, जोजला पास, हाँ, यहाँ से शुरू हो जाता है अभी जोजला पास, मगर हमें जिगजैग में तीन गाड़ी कितना छोटा छोटा दिखा। हाँ, अभी यहाँ से तो रोड शुरू हो जाता है जोजला का अभी हमको, लेकिन पूरा ना घूम के आना है यहाँ से। भाई मेरे को तो हिंदी रोडों पे मजा आता है, अगर ये डेंजरस ही है ना, लेकिन मजा तो हिंदी में ही है कि नहीं? सुकून पहाड़ों में ही है। देखो कहाँ पे चढ़ना है आपको, हाँ, पहले ना पूरा यहाँ से जिगजैग से घूम के आना है। देखो सीधा तो नहीं जा सकते है ना, तो घूम के भी जाना पड़ता है पहाड़ों पे। ये देखो गाइस, सीमेंट ब्रिक्स वाला रोड आ गया। आपको पता ही है किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे ना स्लिप होने का खतरा होता है, बहुत बर्फ होती है ना, तो इसी वजह से ऐसा रोड है यहाँ पे। लेकिन ये ना गाड़ी हो या बाइक, सबकी हालत ख़राब कर देती है ये वाला रोड। फॉलिंग रॉक्स, केयरफुली। हाँ, ये देखो गाइस रोड कैसा है, कितनी गहरी खाई है नीचे से, और यहाँ से हम जा रहे हैं रिवर क्रॉसिंग। हाँ, अभी यहाँ पे ज़्यादा पानी नहीं है, ठीक है, यहाँ से पानी आता ही है, वरना ना यहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी होता था। गाइस ये देखिए, ये रहा कैप्टन मोड़। हाँ, ये पहले बहुत ही खतरनाक मोड़ था ना यहाँ से, है ना, मैंने सुना ऐसी चढ़ाई थी यहाँ पे, ऐसे चढ़ते थे यहाँ पे गाड़ियाँ, और वो ट्रक से सब होती थी ना वहाँ पे ना, पीछे से वो ब्रिक्स रखनी पड़ती थी, तब जाके वो ब्रेक मार रही थी वो वाली गाड़ियाँ, ठीक है, वरना पीछे से ही जाती थी। ये बहुत ही फेमस था ये वाला मोड, कैप्टन मोड। अभी वैसे अभी तो यहाँ पे ठीक ही रास्ता है, उतना डेंजरस नहीं है जितना पहले हुआ कर रहा था। आई लव जोजला। अभी तक मैं आपको दूर दूर से ही बर्फ के पहाड़ दिखा रहा था, और अभी देखिए नज़दीक से बर्फ के पहाड़। अभी वहाँ पे भी आपको ले चलता हूँ, फिलहाल हमको जाने दो जोजला पास, फिर वहीं पर हम ग्लेशियर पर भी चढ़ेंगे। ओके, तो गाइस फाइनली पहुँचे हम जोजला पास 0 पॉइंट। हाँ, ये रहा 0 पॉइंट का मार्केट। तो गाइज ये देखिए, यू आर एट जोजला, 11,649 फीट। वैसे मेरे को ये याद है, ये तो कभी नहीं भूलेगा मुझे, ठीक है। ऑल्टीट्यूड 11,649 फीट। ये देखिए, ये एक हिसाब से ये गेट वे ऑफ लद्दाख। हाँ, 326 किलोमीटर यहाँ से लद्दाख, और ये जो है ना यहाँ पे जोजला, ये यहाँ पे गेट वे ऑफ लद्दाख है। ओके, फाइनली गाइज ये देखिए, ऑल्टीट्यूड 11,649 फीट, गेट वे ऑफ लद्दाख। हाँ, इसके उस पार शुरू होता है लद्दाख, इस पार है कश्मीर। पर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, पूछो ही मत, बहुत तेज हवा यहाँ पे, तो हमेशा हवा चलती है। चलिए अब जो हमारे मेहमान आए उनको फोटो ये सब खींचते हैं वहाँ पे। यहाँ पे इसको 0 पॉइंट क्यों कहते हैं? ये माइनस टेम्परेचर है। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर जीरो रहता है, इसलिए इसको 0 पॉइंट कहते हैं। सही है भाई। ये देखिए, अभी हम लद्दाख घुस चुके हैं, लद्दाख कारगिल डिस्ट्रिक्ट। हाँ, कारगिल डिस्ट्रिक्ट मतलब एक हिसाब से लद्दाख ही समझो आप, मतलब कश्मीर हमने छोड़ दिया है, अब हम लद्दाख में एंटर हो चुके हैं। ये देखो गाइस, यहाँ से जोजला टनल का काम चल रहा है। ये देखिए जोजला टनल। हाँ, ये देखो इन पहाड़ों में से ही वो टनल जाएगी, फिर निकलेगी आगे। हम कहाँ पहुँचे अभी? गुमरी। हम गुमरी पहुँचे हैं। गुमरी, यहाँ यहाँ पे क्या है? यहाँ कारगिल का पहला स्पॉट है जिसे गुमरी कहते हैं। अच्छा, कारगिल का पहला स्पॉट है जिसे गुमरी कहते हैं। यहाँ पे वो वॉर मेमोरियल भी है ना? ये वॉर मेमोरियल 48 का वॉर मेमोरियल। ओके, यहाँ पे ना बहुत सारे टूरिस्ट है, ये देखो बहुत ही सारे है भाई हर तरफ से। तो गाइज अभी हम गुमरी पहुंचे, मुझे लगता है आज का वीडियो ना बहुत ही बड़ा बन गया, इसीलिए आज का वीडियो ना यहीं पेंड करते हैं, और नेक्स्ट व्लॉग में हम आपको ले चलते हैं जो यहाँ पे वॉर मेमोरियल है 48 का, और गुमरी घुमाते हैं, ठीक है। गुमरी के साथ साथ आपको यहाँ पे स्नो भी दिखाते हैं। लाल करते हैं आज की वीडियो को यहीं पेंड। उम्मीद है कि आपको मेरे वीडियो पसंद आए होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए तो प्लीज सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहे, बाय। तेरी याद सताए रात राय, तेरी याद सताए रात राय, लीव 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 धीरे धीरे गिड़ धा धा धा, हाँ कुछ जूली।